हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 17231 जो गन्ना किस्म आई है इसका परफॉर्मेंस जो है खेतों पर कैसा आ रहा है, यानी कि इसके बारे में एक टू बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, कैसा इसका रिस्पॉन्स जो है इस समय खेतों में आ रहा है। जैसा किसान भाइयों आप ये देख पा रहे होंगे, मैं इस समय 17231 यहां लगा हुआ है उस खेत में मैं खड़ा हूं। और सबसे बड़ी बात इस बैठी मुझे ये लगी कि आप देख रहे होंगे गन्ने की जो लंबाई है कितनी अच्छी जा रही है, यानी कि लंबाई से संबंधित जो है आपको इस वैरायटी में किसी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं आएगी, यानी कि लंबाई जो है ये देख रहे होंगे कितनी अच्छी खासी किसान गन्ने की जो लंबाई है वो भी जा रही है। और अभी काफ़ी समय है गन्ने की बढ़वार में, क्योंकि अगोला इसका ऊपर देख रहे होंगे काफ़ी अभी हरा भरा है। इसका संकेत यह है कि अभी गन्ना के समय अभी काफ़ी तकरीबन 2 से 3 फीट या 4 फीट तक भी समय इसकी हाइट अभी और बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा रहता है। फिर भी जो है गन्ने की मोटाई काफ़ी किसानों की यानी लंबाई काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ किसान गन्ने में जो है दूसरी सबसे खास बात यह है कि इसमें ब्याज आपको किसी प्रकार की समस्या ब्याज से संबंधित आपको नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि इस वैरायटी में जो ब्याज है वो काफ़ी अच्छा है। तकरीबन आपको 8 से 9 गन्ने जो हैं आपको हेल्थी केन देखने को मिलेंगे। जैसा देख रहे होंगे ये जितने किसान केन हैं यानी जितने गन्ने बने हुए हैं सभी समान मोटाई के हैं, और तकरीबन 8 से 9 जो है इसमें आपको गन्ने देखने को मिलेंगे। इसकी औसत कहीं कहीं जो है आपको 20 से 25 गन्ने भी जो है इस वाटी में देखने को जो है मिल सकते हैं। और गन्ने की जो लंबाई जैसे मैंने आपको बताई कितनी किसान शानदार गन्ने की लंबाई जो है जा रही है, अगर मैं आपको बताऊँ कि समय इस गन्ने की भी अगर आप पहचान करनी हो तो आप पहचान कैसे करें, इसकी जो पहचान करने का तरीका ये है कि इसकी जो अगौले देख रहे होंगे बहुत चौड़ी इसकी पत्तियाँ नहीं हैं, हल्की सा चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती पत्तियाँ इसकी। इसके साथ साथ जिसकी पत्तियाँ हैं सीधी आसमान की तरफ खड़ी रहती हैं, बहुत सारे गन्ने होते हैं जिनकी पत्तियाँ फैलती हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसकी पत्तियाँ सीधी रहती हैं थोड़ा। इसके साथ साथ किसान भाइयों गन्ने में जो है आपको कहीं भी जो है इसकी लीफ शीट पे या पत्तियों पे आपको कहीं भी जो है कांटे वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि पूरा किसान भाइयों गन्ना जो है ऊपर तक स्मूथ है, कहीं भी जो है गन्ने में आपको कांटे वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह से किसान इसका अगोला रहता है। दूसरा इसकी जो पहचान है वो है इसकी किसान आँख से, ये देख रहे होंगे कहीं भी इस पर जो है आँख किसान भाइयों आप जो है गोल इसकी आँख नहीं रहती, हल्का तिकोनी शेप में जो है आपको त्रिभुज के आकार की हल्का इसकी आँख देखने को मिलेगी। और दूसरा गन्ना पूरा गोल नहीं होता, हल्का सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है गन्ना किसान आपको देखने को मिलेगा। तीसरी पहचान इसकी ये है कि इसमें किसान जो यहाँ से जहाँ इसका ज्वाइंट होता है इंटरनोड का वहाँ से गन्ना बैठा होता है और ऊपर से आके इंटरनोड में फिर से उभार आता है, फिर बैठेगा फिर ऊपर से उभार आएगा, ऐसा लगता है जैसा गन्ना के समय जो है खाँचों में जो है फिक्स होता है। इस गन्ने की जो मोटाई आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसान ऊपर का पोर्शन है गन्ने का, अच्छी खासी गन्ने की ऊपर तक जो है मोटाई चलती जा रही है, यानी कि समान रूप से जो है गन्ने की किसान में मोटाई भी जा रही है। और इसके साथ साथ किसान भाई गन्ने की जो है इंटरनोड लंबी है, इसका मतलब ये भी है गन्ने की लंबाई जो है वो अच्छी जाएगी, जिस गन्ने की इंटरनोड लंबी होती है किसान भाइयों उस वैरायटी की जो लंबाई है वो भी काफ़ी अच्छी किसान भाइयों जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप उसकी पहचान भी कर सकते हैं। कुल मिला के इस वैरायटी की सबसे जो खास बात मुझे लगी, एक तो ब्याज, दूसरा किसान भाई जिसमें खास बात है वो इसकी लंबाई, यानी कि आपको अलग से इसमें किसी प्रकार का जो है ग्रोथ हार्मोन जो है इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। स्वतः जो है किसान भाइयों आपको इस वैरायटी की जो लंबाई है वो आपके सामने अच्छी ही देखने को मिलेगी। और ये गन्ने के सामने जो इस आप जो खेत को देख पा रहे होंगे इस गन्ने की जो बुआई की गई है वो 4.5 फीट के सिंगल लाइन ट्रेंच में गन्ने को बोया गया है, और पौधे से पौधे की जो दूरी है किसान भाइयों ये 2.5 फीट रखी गई है। उस हिसाब से गन्ने की जो किसान देख रहे हैं पूरा खेत हमारा भरा हुआ, कहीं भी जो है गन्ने में आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ जानकारी किसान भाइयों 17231 के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।